मुझे इस बात को कहने में गर्व है कि हमने वाटर मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा है। इस सूखे के समय में भी हमने दोनों बम्पर क्रॉप ली है, चाहे हमारी धान की फसल है उस पर हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, अभी हमारी गेहूं की फसल है वो भी बहुत अच्छी आई है। और इसका कारण यह है कि हरियाणा की सिंचाई सघनता वो 180 है। इसका मतलब यह है कि हम दो बार पानी दे पाते हैं लगभग 90% भूमि पर, तब वो 180 होता है, या 100 पर एक बार दे के दूसरी बार पर 80 दे पाते हैं। हमारे पास 14,000 किलोमीटर नहरें हैं, 1400 नहरें हैं और 1 करोड़ एकड़ फीट हम अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल भी करते हैं। इस संकट के कारण हमको इतना तो बदलाव करना पड़ा कि जो 4 बार में हम पानी देते थे पूरे हरियाणा को, उसको 5 बार में देना पड़ा, इसलिए बारी कुछ लेट हुई। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की एक फसल को छोड़कर बाकी फसलों पर नुकसान पानी के कारण नहीं होने दिया। इस बार के अनुमान बहुत अच्छे हैं, ये मानसून बहुत अच्छा आ रहा है, अभी तक यही अनुमान है। और मानसून अगर अच्छा आता है तो बहुत जल्दी हम इस पानी के संकट से, क्योंकि जो मानसून कम हुआ और यमुना में पानी आना कम हुआ, जो 2,500-3,000 क्यूसेस तक औसत रूप से आता था बरसात के दिनों के अलावा, वो 1,000 क्यूसेस तक रह गया था, तो उसके कारण से हमको जो कठिनाई आई, लेकिन उसके बाद भी हम बेटर मैनेज कर पाए। इसलिए हरियाणा को उस नाते से ये कहना, जैसे बाकी राज्यों ने महाराष्ट्र में सूखा झेला है या दक्षिण के अन्य राज्यों ने सूखा झेला है, वो स्थिति हरियाणा की नहीं थी, हमारे अपने जल प्रबंधन के कारण, और इसके लिए हरियाणा को शाबाशी दी जानी चाहिए। अभी चैलेंज है, अगर प्री मानसून जल्दी आता है तो आसानी होगी, लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि पीने का पानी और पशुओं के पीने का पानी, वो सबसे पहली प्राथमिकता के साथ नहरी सिस्टम से जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक सब जगह पहुँचाया जाए। अभी हर SC को ये कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले ये कहें कि उनके यहाँ पर कितने पीने के पानी के टैंक थे, इस बार नहर जब आई तो उन्होंने कितने भरे, कोई खाली तो नहीं रह गए, रिपोर्टिंग करते हैं वो, कितने पशुओं के पीने के झोड़ थे और उन्होंने कितने भरे, कोई अभाव तो नहीं रह गया। सरकार का पूरा जोर इस ग्रीष्म काल में, जो जून का महीना हमारे सामने खड़ा है, उस पर है, किसी भी तरह से पशु के पीने के पानी, मनुष्यों के पीने के पानी की कोई कमी हमारे पास उपलब्ध पानी से नहीं रहने देंगे। और आगे की जो व्यवस्था है उसमें ज़रूर ईश्वरीय कृपा चाहिए, मानसून बेहतर आएगा तो उस नाते से ज़्यादा पानी मिलेगा, ज़्यादा पानी मिलेगा तो हम अगली फसल की सिंचाई के लिए, यमुना का जल स्तर बढ़ेगा तो उससे अधिक पानी आवंटन के लिए, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम बहुत अच्छी कर रहे हैं कि हमारे नहरी सारे सिस्टम का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जिससे 30% पानी और बचा सकें जो सीपेज में जाता है।